अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भाई जो है खाना लेके आए हुए हैं घर से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो मंडी है जहाँ से पूरे पाकिस्तान में किन्नो जो है वो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चरगा आ गया, पहले बिरयानी भी आ चुकी है, चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे ऑरेंज बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बशर्तिक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑरेंज का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और ऑरेंज जो है वो सबको पसंद है। दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑरेंज जो है वो पाकिस्तान में सरगोधा में कोट मोमन में पैदा होता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ऑरेंज की हार्वेस्टिंग करेंगे। नाश्ता करना है आप लोगों ने, जिसने नाश्ता करना आ जाए। मीठे चावल हैं और चने हैं और साथ में नमकीन चावल भी हैं। और यहाँ पे साथ ही मोटरवे का कोट मोमन वाला जो इंटरचेंज है वो है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी टीम इधर है सारी, सब नाश्ता करके आए हैं, चाय पियेंगे अभी। कितने लोग हैं हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। 9 लोग हैं, 9 चाय आ जाती है। अपनी टीम के लिए चाय जो है वो लेके चलेंगे। चाय आ चुकी है जी अपनी टीम की। मैं आज आप लोगों के साथ जाऊंगा ऑरेंज तोड़ने के लिए, माल्टे तोड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी जनाब। वहाँ पे कुछ भाई हैं जो वो नाश्ता कर रहे हैं। सारे अनु कराओ नाश्ता। और जिंदाबाद। धुंध भी पड़ी हुई है और जब गर्मा गर्म चने जो है वो चावलों पे पड़ रहे हैं तो वहाँ से भी धुआं निकल रहा है, भाप निकल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी टीमें जो हैं वो अपनी हैं। तो यही वो चौक है जहाँ से लेबर को लिया जाता है, यहाँ से गाड़ियाँ निकल जाती हैं ऑरेंज तोड़ने के लिए। पढ़ो, गाड़ियाँ आ रही हैं और बॉक्स जो हैं वो भी लदे हुए हैं गाड़ियों पे। कुछ और भाई जो है वो आ गए हैं और चावल यहाँ पे हो चुके हैं ख़त्म। चावल ख़त्म हो गए उकड़े है ना अजय? तो कुछ भाई और आए हैं, ये भी नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे ऑरेंज तोड़ने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी टीम में से एक भाई जो है वो मेरे साथ बैठ गए हैं। भाईजान क्या नाम है? रिजवान अली भाई मेरे साथ हैं। बाकी टीम जो है वो जा चुकी है और धुंध काफी ज्यादा है। हम भी अब बाग में पहुंचेंगे, हर तरफ आपको बागात नजर आएंगे। किन्नू ही किन्नू, माल्टा ही माल्टा है। जी जी जी, ये बागात जो है ये एकड़ के हिसाब से सेल हो जाते हैं और अभी अच्छे किन्नू का एक एकड़ का रेट जो है वो क्या चल रहा है फल का? सर अपना 3 से 3.5 लाख के दरमियान। जो नॉर्मल है वो उसका? वो 2.20 और 2.5 के दरमियान। जो सबसे निचले दर्जे का है वो तकरीबन 1.70 तक है। जी ठीक हो गया, एक एकड़। जी इस एरिया में ग्यास मेला साहब थे, वो फौत हो चुके हैं। उनके सबसे बड़े बागात हैं, तकरीबन 100 मरबा से भी ऊपर उनकी ज़मीन है और उनकी ज़मीन में तकरीबन 5 से 6 गांव हैं। इतनी ज़्यादा ज़मीन है उनकी और सारे के सारे बागात ही हैं। ऐसा ही है भाईजान? बिल्कुल जी, सारी ज़मीन में बागात किन्नो ही किन्नो। जी, उनके बेटे का नाम क्या है? उसामा ग्यास। उसामा ग्यास मेला जी। मेला ज़ात है ये? जी जी। तो उनके गांव का नाम भी मेला ही है। जी 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 जी, यहाँ पर आप देखते जाएं बागात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और पौधे लदे हुए हैं फल से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाग में पहुंच चुके हैं और नीचे गंदम भी काश्त की गई है बाग में। तो यहाँ पे शक्री, किन्नू, मौसमी, फ्रूटर सारे बागात मौजूद हैं। पौधे बड़े खूबसूरत लगते हैं जब फल लगा हो। ये नीचे भी देखे ना, खुद से जो गिर गए हैं। ये फ्रूटर है, इसको अभी हम तुड़ाई करेंगे। फ्रूटर की तुड़ाई होगी अभी। अस्सलाम वालेकुम लाला जी, की हाल है? तो यहाँ पे जी अब तैयारी चल रही है, ग्लव्स वगैरह पहने जा रहे हैं, औजार तैयार किए जा रहे हैं, चोलियाँ बनिया जानी है, झोली बोलते हैं इसको आप भी।
पल्ली पल्ली वो जो होती है ना जिसमें बांधते हैं जाके वहाँ पे। हाँ जी, ये झोली है, झोला झोली जो भी बोल रहे हैं आप जी। पर ये जो खूबसूरती है ना, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह यार, क्या कमाल है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब्ज पत्तों में जो ऑरेंज कलर है वो और ज्यादा उठता है। तो सीढ़ियाँ इधर ही पड़ी हुई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये तुड़ाई जो है वो हो रही है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बांस पार है ना, जब जाएंगे किन्नू के बाग में जी, फिर आप अपने आप को खुद रोक ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ये तो कुछ भी अभी नहीं है। ठीक हो गया, ज्यादा खूबसूरत लगता है जी। इसका रंग बहुत रंगीन है जी, इसका रंग ज्यादा तेज होता है ना, वो मोटाई में बड़ा आ जाता है जी जी जी, वो साइज में बड़ा है, में फुल किंग है। जी जी जी, सरगोधे का किंग। ठीक हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम लाला जी, की हाल ने? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्लाह ताला जी आपके कारोबार में बरकतें डाले, आमीन। तो जवान जो है शुरू हो चुके हैं कटाई पे। कोई जवान सीढ़ी लेके चढ़ गया पौधे पे, कोई नीचे खड़े होके काट रहा है। और जवान जवान होते हैं जी, वो शहजादा जो है वो बगैर सीढ़ी के जा चढ़ा है दरख्त पे। अच्छा, लेदा लेदा कर रहे हैं अभी से? कलर है ना, कलर वाला माल ज्यादा, कलर वो माल अच्छा है जी जी जी, इसका ज्यादा कलर हम निकाल रहे हैं। अच्छा, वो कलर ज्यादा कलर हो जिसका, उसका रेट अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है जी। ठीक हो गया, पौधों की कुछ टहनियां जो है उनके बिल्कुल पत्ते नहीं है, फाली फाल है उनपे। पहला टोकरा आ चुका है। बड़ी ही मेहनत के साथ किन्नू माल्टे हमारे तक पहुंचते हैं जनाब। थोड़ी देर पहले इस पौधे पे फ्रूटर ही फ्रूटर थे और अब एक भी दाना नहीं है। पौधे की बिल्कुल टिंड कर दी गई है। ये वाला पौधा जो है इसकी भी टिंड हो चुकी है, भी नेड़े लग गई है। ये भी नेड़े लग गई है। दो बाल रह गए। ये थोड़े के बाल रह गए। इसकी भी हो गई जी। आप घुमन आए मारते अंकल ऊपर हैं, तो झोली भर चुकी है, अब दूसरी झोली में ट्रांसफर किए जाएंगे। उठर जल्दी कर, जल्दी
इधर सीढ़ी लगाई जा रही है। आज ठंड जो है वो काफी ज्यादा है और यहाँ पे पहला दिन आज धुंध का। और चाइना की तरह यहाँ पे भी बांस जो है ना वो काफी ज्यादा लगाया गया है। और अभी हम दूसरे खेत में जाने लगे हैं। ये सारे किन्नू हैं और ये देखें बिस्मिल्लाह कोई पका हुआ देखते हैं सही वाला। और यहाँ पे है जी फ्रूटर, कोई दो पौधे रहते हैं इधर ना तोड़ने वाले। किन्नू का साइज देख के दिल खुश हो गया माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडे मौसम में ठंडा ठंडा किन्नू माल्टा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी फ्रेश ऑरेंज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मीठा और जूस से मुंह जो है वो भर जाता है। खट्टा हो तो चेहरे के तासरात बदल जाते हैं पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे हो जाता है अगर खट्टा हो तो। अंदर तक ठंडक जो है वो जा रही है। और यार इतना ज्यादा फल है ना माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें फल माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पौधे जो हैं वो फल से लदे हुए हैं, टहनियां जो हैं वो झुक गई हुई हैं। ये देखें फल के वजन की वजह से एक से बढ़ के एक खूबसूरत और लदा हुआ पौधा जो है वो यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह। किन्नू जो है वो काफी बड़ा था मजेदार। दो किन्नू ऐसे खा लेना तो आप फुल हो जाएंगे। इस तरफ से आवाज आ रही थी तो रास्ता इस तरफ और ये गड्ढा जा रहा है। रेड़ा थोड़ी बड़ी साइज का होता है। इस पौधे पे फल जो है वो ज्यादा है और पत्ते कम हैं। और जो पौधे जो है वो खराब हो जाते हैं सूख जाते हैं उनकी जगह पौधे लग जाते हैं। ये एक पौधा लगा हुआ है, एक ये पौधा लगा हुआ है। ये देखें एक दो तीन चार, यहाँ पे पौधे खराब हो गए थे उन पौधों की जगह नए पौधे लगा दिए गए हैं। पर जो फ्रूटर का कलर है ना ये बड़ा खूबसूरत है। अब जो है धूप निकली है तो धूप में देखें ऑरेंज कलर और भी उठ गया। धुंध में भी चमक रहा था पर धुंध की वजह से वो शाइन नहीं थी जो अब आएगी। ये आ गई है जी मौसमी, जबरदस्त। ये एक नंबर माल है जी, सुपर जबरदस्त जबरदस्त जी मौसमी है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई जो है खाना लेके आए हुए हैं घर से अल्हम्दुलिल्लाह। ओ जिंदाबाद। आलू मटर और इधर आलू अंडा जिंदाबाद जिंदाबाद। करें शुरू, मैं भी लेता हूँ, खाएं आप। सुबह का नाश्ता करके आते हैं, खाना साथ लेके आते हैं। तो तब तक ये थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलू अंडे जी। बिस्मिल्लाह। घर के खाने का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे आलू मटर, आ जाए आ जाए आ जाना, खा लो जरा ग्रां ग्रां जेड़ा है, थोड़ा थोड़ा खाए ना, फिर चल के खाते हैं वहां पे। और जब खेतों में काम करते हुए खेत में बैठ के खाना खाते हैं ना, उसकी बात ही अलग है, बहुत मजा आता है। ऐसा ही है ना, सही है। क्यों भाई जान जी? तो अगर आपने ये वाला एक्सपीरियंस कभी किया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर नहीं किया तो जिंदगी में एक बार जरूर करें, बहुत मजा आता है। कई दफा किया ये मैंने। जी जी जी। पानी के लिए फिर क्या करना है? दो माल्टे खाने हैं। जिंदाबाद। नशे मारेंगे। तो भाई कहते हैं पानी तो यहाँ से नहीं मिलेगा, उसकी जगह दो माल्टे खाएंगे, पानी पूरा हो जाएगा। आखिरी टोकरी है जी ये, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है लोड हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऊपर से कवर करेंगे। ये बांस के पत्ते हैं, ये इधर ऊपर लगाने हैं। सब भाइयों का काम खत्म हो गया, अब फ्रूटर को मंडी लेके जाएंगे। ऊपर से रस्सी जो है वो भी बांध दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी टीम जो है गाड़ी में बैठ चुकी है और अब मंडी में पहुंच के मिलते हैं। हमारे फ्रूटर वाली गाड़ी अभी नहीं आई है, पर यहाँ पे देखें बोली शुरू है। माशाल्लाह देखें कितने मजे के किन्नू हैं। ये फ्रूटर जिंदाबाद। एक छियाठ, सिर्फ छियाठ, जिंदाबाद। कितने में हुआ ये? 60,000। इसमें कितना होता है माल? इसमें तकरीबन कोई 62-63 का वजन है, रंग की कमी है, सारा मोटा माल। जी ठीक। पश्तो में बोलते हैं घाट घाट, घाट घाट का मतलब है मोटा मोटा। ठीक हो गया, सही शुवा, सही शुवा। ये सिर्फ किन्नू का रेट है, फिर किसी भी मंडी में यहाँ से जाएगा, जैसे कि लाहौर अगर ये माल जाना है तो 16,000-17,000 रुपये गाड़ी का किराया ट्रांसपोर्ट का, और अगर यहाँ से 70,000 में बिकता है तो फिर 86,000 या 87,000 पहुँच होगी लाहौर में। पिछले साल इस गाड़ी का क्या रेट था शाहजोर का? इसका तकरीबन 2,70,000-80,000 रुपये। तो इस दफ़ा? इस दफ़ा तो अभी 50-60 पे जा रही है, मुश्किल है, इस दफ़ा नहीं है इतनी चल रही। इस दफ़ा रेट नहीं मिला? नहीं रेट नहीं। इस दफ़ा बहुत ही ना किन्नू का थोड़ा मसला है, वैसे महंगाई की वजह से ना आदमी कौन खाएगा, इतना महंगा है वैसे अभी, इसलिए इसका रेट बिल्कुल बनी नहीं रहा। इस दफ़ा पैदावार ज़्यादा है, बाहर जा नहीं रहा इधर ही बस, लेकिन ये अभी गरीब आवाम खाएगी से जिस तरह भी है ना खाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी गाड़ी जो है पहुंच चुकी है मंडी में। आजो 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 खरे लेने ले आजो।
चलें। चलो ले लिया, दिहाड़ी हो गई है। छोटे को दे आया चौक में, जिधर से सुबह गए हैं ना, जी जी जी, चौक में बैठे हैं, जो सुबह बैठे हैं, ठीक हो गया। और अपनी टीम जो है अभी खाना खाने के लिए निकलेगी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं, तो कोई दस बारह इधर हैं और छः सात उधर हैं। कुछ चली गई हैं, हाँ जी, और कुछ अभी आ भी रही हैं। अभी आ रही हैं। जी जी जी, आठ बजे तक आएगी इधर। आठ बजे तक, रात आठ बजे तक। मंडी का टाइम जो है चार बजे से लेके रात आठ बजे तक है, क्योंकि दूसरे शहरों में सुबह मंडी लगती है, तो मंडियों में फ्रूट जो है वो पहुंचना होता है, सारी रात फिर सफर करता है फ्रूट आप तक पहुंचने के लिए। लाला की खाना है फिर हुन? मुर्गा यार लाया हूं। मुर्गा स्टीम रोस्ट खाना है या चिकन कढ़ाई, मुर्गे दी कढ़ाई खानी है, की खाना है? चिकन कढ़ाई। कढ़ाई, कढ़ाई, सबका एक ही नारा, चिकन कढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चरगा आ गया पहले, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। जवानो शुरू करो। लाला जी, मैंने कहा कढ़ाई थोड़ी लेट हो जानी है, अब तक चरगा खाते हैं। एक बड़ी है, बिस्मिल्लाह। बिरयानी भी आ चुकी है, चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। अब खाना खाएंगे जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाने के बाद चाय चल रही है। मजा आया चाचा? जी आप मजा आ गया जी। तो अभी भाइयों को भाइयों के घरों में छोड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।